अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं सैगल मोटर्स पे, जो कि मेन जीटी रोड अपोजिट टू द डीएचए फेज टू लोकेटेड है। और आज इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इट्स अ होंडा सोनाटा। सो इसके ऑनर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। होंडा सोनाटा, इट्स अ 2023 मॉडल विथ 2.5 सीसी इंजन कैपेसिटी, जिसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है 5000 किलोमीटर्स। इट्स एन अनरजिस्टर्ड कार विद अ वेरी गुड कंडीशन। और इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है, दैट इज़ 1 करोड़ 16 लैक्स, यानी 1 करोड़ 16 लाख रुपए। फ्रंट साइड को बहुत ही क्लासी लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ग्रिल्स का सेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है, कवर्ड विद द क्रोम स्ट्रिप्स। और इसके बॉटम में अवेलेबल है क्रोम की एक वाइट स्ट्रिप। हेडलाइट्स जो हैं वो DRLs और LEDs के साथ प्रोवाइड की गई हैं, और बहुत ही फाइन कंडीशन है इसकी हेडलाइट्स की। फ्रंट साइड पे आपके पास अवेलेबल हैं 4 पार्किंग सेंसर्स। बैक साइड को भी बहुत ही क्लासी लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें लाइट्स का सेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है विद LEDs। बैक साइड पे भी 4 पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं, एंड बैक साइड पे प्रोवाइड किया गया है कैम। फ्रंट डोर्स आर अवेलेबल विद कीलेस एंट्री। ड्राइविंग साइड का डोर अवेलेबल है विद मल्टी कलर्स, जिसमें साइड मिरर्स को ऑपरेट करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है विद डोर्स लॉक अनलॉक फीचर। पावर विंडोज अवेलेबल हैं, और बैक साइड पे एक फीचर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है फॉर चाइल्ड सेफ्टी पर्पस, ताकि विंडोज जो हैं बैक सीट की वो लॉक की जा सकें विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। बैक साइड का डोर अवेलेबल है विद मल्टी कलर्स, जिसमें पावर विंडोज, इंस्टॉल्ड स्पीकर और स्टोरेज कंपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है। सेम फीचर्स और कंडीशन के साथ बैक साइड का दूसरा डोर भी अवेलेबल है। सेकंड सीटर साइड के डोर में अवेलेबल है पावर विंडो, डोर्स लॉक अनलॉक करने का फीचर विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। सो ओवरऑल जो चारों डोर्स की इनर कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। फ्रंट सीट्स आर अवेलेबल विद एडजस्टमेंट स्विचेस। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं ड्राइविंग सीट पे, एंड हियर इज द की विद पाउच। इंटीरियर इज अवेलेबल इन मल्टी कलर्स विद अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है, जिसके दोनों एजेस पे स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग अवेलेबल है विद AC ग्रिल, और इसके बॉटम में प्रोवाइड किया गया स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल है इसका एंटरटेनिंग पैनल विद 2 AC grills एंड द AC पैनल विच इज अवेलेबल इन बटन एंड नॉब शेप। हियर इज द पुश स्टार्ट बटन फैसिलिटी। ड्राइविंग साइड पे अवेलेबल है AC की ग्रिल विद अ बटन, जिसकी मदद से आप अपनी हेडलाइट्स की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। पार्किंग बटन प्रोवाइड किया गया है, और दूसरा एक बटन अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपनी टेल डोर को ओपन कर सकते हैं। स्टेयरिंग इज अवेलेबल इन अ वेरी अट्रैक्टिव शेप। क्रोम की स्ट्रिप प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से इसकी लुक जो है बहुत ही क्लासी फील हो रही है। इसमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसकी मदद से आप अपनी राइड को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं विद द फैसिलिटी ऑफ एयर बैग। पैडल शिफ्टर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है इन द स्टेयरिंग। और इसी के साथ आपको बताता चलूं कि यहाँ पे एक क्लिप प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। स्पीडोमीटर की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद। सो हियर वी गो। बहुत ही जबरदस्त और क्लासी प्रेजेंटेशन है इसके स्पीडोमीटर की, जिसमें एक पूरा डिजिटल पैनल प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी तमाम तरह ऑब्जर्वेशन को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। राइट साइड पे 1000 का RPM मीटर मौजूद है, लेफ्ट साइड पे 260 किलोमीटर की स्पीड रेंज का मीटर प्रोवाइड किया गया है, और उसके मिड में आपके पास ऑप्शन है कि आप डिजिटल स्पीड रेंज को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल विच इज वेरी इजी टू ऑपरेट, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स AC पैनल आफ्टर टर्निंग ऑन। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए, सो इट इज वेरी वाइड एंड अनफ। एज यू कैन सी, आई एम अप्रोचिंग द पेडल्स वेरी इजीली, और बहुत ही कंफर्टेबली मैं इस वक्त इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ। फ्रंट सीट्स आर अवेलेबल इन लेदर स्टफ विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बहुत ही कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का, और इन दोनों सीट्स के मिड में जो पैनल है यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं 2 USB ports फॉर चार्जिंग पर्पस, स्मोकिंग पर्पस के लिए भी पोर्ट प्रोवाइड की गई है, और यहाँ पे एक पूरा पोर्शन प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आप अपने सेल फोन, वॉलेट या कीज को इजिली कैरी कर सकते हैं। हियर इज ऑटो ट्रांसमिशन पैनल, जो कि बटन शेप में अवेलेबल है विद 2 कप होल्डर्स फैसिलिटी, और इसकी बैक साइड पे अवेलेबल है आर्म रेस्ट, जिसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं इसकी लिड को रिमूव करके।
रूफ की बात की जाए तो ड्राइविंग साइड का जो शेड है वो अवेलेबल है विद द फैसिलिटी ऑफ मिरर, जिसमें मैनुअली लाइट ऑन ऑफ करने का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। सेम फीचर्स और सेम कंडीशन के साथ सेकंड सीटर साइड का शेड भी अवेलेबल है, और इन दोनों शेड्स के मिड में प्रोवाइड किया गया है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि पैनोरामिक रूफ प्रोवाइड किया गया है गाड़ी में। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं गाड़ी की बैक सीट पे, और आपको बताता चलूं आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द बैक सीट एज वेल। लेग स्पेस आप देख सकते हैं, इट इज टू मच इनफ। बहुत ही वाइड स्पेस प्रोवाइड की गई है इसके रूम में। फ्रंट सीट की बैक साइड्स पे अवेलेबल हैं ये फीचर्स, जिसके अंदर आप अपने लैपटॉप या डॉक्यूमेंट्स को इजीली कैरी कर सकते हैं। आर्मरेस्ट की बैक साइड पे प्रोवाइड की गई हैं दो एसी की ग्रिल्स, और उसके बॉटम में अवेलेबल है चार्जिंग पर्पस के लिए यूएसबी पोर्ट। बैक सीट्स जो हैं वो लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और इन सीट्स के मिड में प्रोवाइड किया गया ये पैनल जिसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं विद 2 कप होल्डर्स फैसिलिटी। और इसी के साथ आपको बताता चलूं कि बैक साइड पे भी माइनर ग्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं जो कि इसके रूम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्जर्व करते हैं इसके ट्रंक एरिया में मौजूद स्टोरेज स्पेस को। सो दिस इज द टोटल ट्रंक स्पेस कि जिसके अंदर आप लगेज की एक बहुत ही अनफ क्वांटिटी इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बताता चलूं कि स्पेयर व्हील और कुछ टूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार, सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। इट इज़ नॉट दैट मच ड्रिवन एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।